आज अजखाने को सजाना है गाइस, और शारब भी सो के उड़ी है। मैं तो ऊपर जा रही हूँ बेटे, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। मेरी शक्ल देखे, बदसूरत हो गई। और हमारा जो इमाम आजा है वो 14 मासूमीन से मंसूब है। उस तरफ ज़ुल्म पे है आशा। थोड़े से छोले और दही बड़े जो बना लूंगी, ताकि जो बीच का टाइम होता है काटिए वाले छोले मुझे इतना ज्यादा मजे के लगते हैं। हमारे घर में बहुत ज्यादा अच्छे और स्पाइसी भी बनते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो मैं होप करती हूं कि आप भी मजे में होंगे, हम भी मजे में खैरियत से हैं। और बस अभी फ़िलहाल ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अभी टाइम जो है वो हो रहा है 6:46। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर भी टाइम दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। मतलब ये सब कुछ आप लोगों को टाइम दिखाने का मकसद तो बेसिकली अभी यही है कि पूरी रात हो गई है, मैं जो नहीं सोई हूँ। और अब मैं सोई क्यों नहीं हूँ मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मैं पूरी मतलब फ़ोन भी देख रही हूँ पर लेट भी रही हूँ। मतलब ये कि मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने तो बाबा को बोला कि बाबा मैं जो हूँ नींद की गोलियाँ ले लेती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। यानी कि जिंदा लाश की तरह जो हूँ वो मैं अपने बेड के ऊपर पड़ी हुई थी, लेकिन बस ये कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। कभी मैं फ़ोन देख रही हूँ, कभी मैं फ़ोन रख रही हूँ, कभी मैं वैसे कहते हैं लेट रही हूँ। मुश्किल से अगर आँख लगी भी होगी, जितना मुझे याद आ रहा है, तो 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो आँख लगी होगी। बाकी यही कि पूरी रात हो चुकी है, मैं नहीं सोई हूँ। और वैसे ही अब टाइम 7 तो खैर बच ही चुके हैं। और इंशाल्लाह ये है कि 10, 10:30, 11 बजे तक दद्दू कैंप भी जाना है। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर बताया ही था कि आज हम लोगों को दद्दू कैंप भी जाना है। दद्दू कैंप क्यों जाना है, क्योंकि जैसे कि अगर आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे अजखाने के काम शुरू हो चुके हैं। कल जो है वो पूरा का पूरा फ्रेम रेडी हो गया था, आज अजखाने को सजाना है। माशाल्लाह पता ही नहीं चलता है, मुहर्रम वापस आ चुके हैं। और वापस से जो है वो रौनक बेसिकली पूरे 10 दिन की जो घर के अंदर होती है, और जब वो जा रही होती है यानी कि 10 मुहर्रम को जब वो जाती है तो घर इतना सुना रहता है जैसे कि कोई मेहमान जो है वो आए हैं और हमारे घर से जो है वो चले गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होता है, और बहुत ज़्यादा वीरान लग रहा होता है 10 मुहर्रम को। तो खैर अब मतलब अभी तो यही है कि बस अब दद्दू के भी जाना है, फिर वहाँ पर अजखाना भी सजाना है। फ्रेम कल हो गया था, अब सारा सजाना है। और आज जो है वो मातमदारी भी दद्दू के मर्दों की। यार मातमदारी मर्दों की होती है, क्या हूँ असल में सोई नहीं रहा था, पागल हो चुकी हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी मैं आप लोगों को अंदर जाके जरा गशारत को भी दिखाती हूँ कि गशारत कैसे सो रहा है। गधे घोड़े मतलब सब कुछ बेचिए, वो तो अपने मजे से सो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। उसके अलावा मैं आपको फिर बता दूँ कि मेरी बैक में भी पेन है, और मेरे ये वाला मतलब मेरा राइट और लेफ्ट हैंड जो है वो मेरा थोड़ा स्वेल भी कर रहा है। अब वो पता नहीं कि ये हैंड्स मेरी क्यों स्वाइल कर रहा है, मेरी बैक में क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। हो सकता है मैं उस वजह से भी ना सो रही हूँ, मैं 2 पेनड्रॉल भी खा ली थी। मतलब अब असल में पता है क्या सीन है, अब मैं जो हूँ अकेले जाग रही हूँ, और मेरे पास जो है मतलब कोई भी नहीं है जिससे मैं बात करूँ। ऊपर भी मुझे पता है सारे सो रहे होंगे, मम्मा शारा और बाबा सब सो रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग ही स्टार्ट कर लूँगी, कि आज का ब्लॉग वैसे भी स्टार्ट होना था, तो मैं बता भी दूँ कि मेरे साथ क्या सीन हो रही है। तो ये ना हो कि जब अजखाना सच रहा हो तो मैं मतलब मैं नींद के झोटे ले रही हूँ। ये सोचा है कि अब मैं जा रही हूँ बस टीवी देख सकती हूँ मैं, और तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि नींद का नून भी जो है ना वो अभी तक सामने मेरे नहीं भटक रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को सर अंदर जाके गशारक को दिखाती हूँ। ये आप सब देख ही सकते हैं गशारक को कैसे ये सो रहा है, अब उठ रहा है, ये देख ले कैसे सो रहा है, ये मस्त। गाइस, और शारब भी सो के उड़ी है। मैं तो ऊपर जा रही हूँ बेटे, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। क्या टाइम हो रहा है देख लो, 6:50 हो रहे हैं। तो ये कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, मैं पूरी रात से जाग रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मैं तो अभी ऊपर क्या हो रहा होगा, ऊपर सब सो रहे हैं। ऊपर क्यों जा रही है? मैं ऊपर जा रही थी मौसम देखने के लिए क्या सूरत हाल है, क्योंकि बहुत प्यारा मौसम होता है। सुबह के 6 क्या 7 बजने वाले हैं बेटे। खैर अब हम जरा चलते हैं ऊपर।
वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत जो है वो मौसम हो रहा है। सुबह के 6:50 टाइम हो रहा है और ये प्यारा सा खूबसूरत सा मौसम और ये बदसूरत सा मंजर। मजाक कर रही हूँ। कशारक बीच है ना, वो मैंने एक ब्लॉग के लिए क्लिप लिया था तो शायद उसके लिए सो गया, लेकिन जब मैं गई थी तो थोड़ा उठ भी रहा था। खैर अब वो तो छोड़े हैं, मैं तो ये सोच रही मैं अभी करूँ क्या। तुम सो गए? अब ये भी कह रहा नहीं सोएगा। लेकिन यार मुझे तो ये हो रहा है कि मैं पूरी रात क्यों नहीं सोई, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ। खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं, ये तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और आउटस्टैंडिंग वाला जो है फिलहाल अभी मौसम हो रहा है। अब यही है ज़्यादा से ज़्यादा कि नीचे चले आएंगे, फिर ले आऊँगी जिंदा लाश की तरह, नींद आई तो देख लेंगे, वरना अभी तक तो शायद यही है कि मैं टीवी ही देखूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो गया, पूरी रात नहीं सोई यार, मुझे तो यही कुछ होता जा रहा है। और मेरी शक्ल देखे, बदसूरत हो गई क्योंकि मैं सोई नहीं पूरी रात से, गड्ढे हो जाएंगे मेरी आंखों पर। खैर एक दिन से कुछ नहीं होता, अब मैं ज़्यादा ही ओवर हो गई। लेकिन नीचे चलते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए जाऊँ खुद ही नाश्ता प्रिपेयर भी कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो लोगों को बता देती हूँ मेरे नाश्ते में क्या क्या है। ये आ जाती है चाय जो कि मैंने खुद बनाई है, फिर ये आ जाती है एक ब्रेड और ये आ जाती है पापे और मक्खन वहीं रह गया। तो बस ये है मेरा नाश्ता, अब मैं नाश्ता करती हूँ फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस, पूरी रात जागने के बाद मैं फिर भी जो हूँ वो 9:30 बजे चली गई थी, कि मैंने ये सोचा कि मैं लेट जाती हूँ तो हो सकता है मेरी आँख लग जाए। तो मैं 9:30 बजे जब गई और मैं लेटी तो मैं सो ही गई थी, क्योंकि जाहिर है मैं पूरी रात नहीं सोई, तो उस वजह से मुझे खतरनाक वाली आ गई थी नींद उस वक्त। फिर मैं उठी तकरीबन कोई 12:30 बजे और 1 बजे तक जो है वो हम लोग आ गए मंतशा नहीं करो, फिर 1 बजे तक जो है वो हम लोग आ गए दद्दू के यहाँ। अब दद्दू के यहाँ आए तो फिर ऐसा खाने के काम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और अब मैं आप लोगों को बारी बारी करके जो हूँ वो डिटेल में पूरा ऐसा खाने के बारे में बताऊंगी भी, और जो जो चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। अब चलते हैं बाहर और आप लोगों को सब कुछ मैं दिखाती हूँ कैसे तैयारियाँ चल रही हैं। अब यहाँ सारा जो है खाने का सामान जो है वो यहाँ से हमने शिफ्ट कर दिया है, और मैं आप लोगों को बताती हूँ ये जो है वो 14 पटके और ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे जब ये पूरा सज जाता है ना, ऐसा खाना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाऊंगी भी ये 14 पटके। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये जरी है, और अच्छा इधर दिखाई मुझे, ये अभी खुली नहीं हुए क्योंकि इसके अंदर जलती है पिंक लाइट और हमें चाहिए रेड लाइट। तो अभी जो है वो आर से जो लगे वो भी गई, वो भी गई इसको खोलने बोलने के लिए, तो फिर इन्होंने जो है उसके अंदर रेड लाइट का इंतजाम करवा दिया। फिर यहाँ हटो ना, मैं बोर भी दे दूँ। फिर यहाँ पर ये बहुत प्यारा सा जो है वो दुलसना आता है, और ये बहुत प्यारा सा मेम्बर और ये, और फिर ये बहुत प्यारा सा छोटा सा ताबूत है, और फिर मैं आप लोगों को एक मिनट में इसको रखूँ। और फिर ये 14 के 14 हमारे पंजे हैं जो कि आप देख सकते हैं, और ये बहुत प्यारा सा जो है वो एक ताज है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर भी लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ कि बाहर क्या काम हो रहा है। बाहर जो हमने कल फ्रेम बनाया था उसके अंदर लाइटनिंग हो रही है, तो आए चले देखते हैं। यहाँ पर हमारी लेडीज काम कर रही हैं, मम्मा नीचे मम्मा तुम जा जाओ सोने दे, चढ़ गई है काम करने के लिए ऊपर। तो गाइस यहाँ पर पंजे लगना स्टार्ट हो चुके हैं, फिर उसके बाद पटके लगेंगे और फिर उसके बाद हम खाएंगे खाना, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो लग रही है भूख। तो गाइस फाइनली जो है वो खाना लग चुका है, पटके लग चुके हैं, बाकी सॉरी पंजे लग चुके हैं, पटके अभी लगेंगे, और खाने में बनी हुई खिचड़ी दे दे और लौकी का रायता। सो गाइस अब जो है वो लग रहे हैं पटके, और हमारा जो इमाम मामा है वो 14 मौसमी से मंसूब है, तो 14 पटके जो है वो लगते हैं। अब लाइन बाय लाइन सब आए जा रहे हैं, ले लेके आए जा रहे हैं, अब एक बार देख ले। वहाँ से जो है वो चीज़ें लाई जा रही हैं, फिर यहाँ पर जो है वो हम रख देंगे। जब ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को फुल जो है वो व्यू करवाऊंगी। तुझे रोए तुझे रोए अब्बास तेरा
ये अज़ा खाना जो है वो हैदराबाद का है, जो कि मेरे नानों के घर के यहाँ का होता है। ये अज़ा खाना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसके अंदर बहुत 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 सारे मौजज़ात भी होते रहते हैं। अब ये जो हमारा अज़ा खाना होता है, ये शहज़ादे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से जो है वो मंसूब होता है और इसके अंदर जो है वो हमारे 72 अलम जो हैं वो होते हैं और फिर बहुत सी ज़री भी होती हैं और यहाँ पे ताबूत भी होते हैं और 9 मुहर्रम को जो है वो बहुत बड़ा जो है एक क्या कहते हैं मौला अली अकबर का ताबूत जो है वो हमारे ही घर से बरामद होता है। वो मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के अंदर भी दिखाऊंगी। फ्री हो चुके हैं और खाना भी फुल हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब बस मातमदारी होनी है और मातमदारी थोड़ी लेट होनी है और सबको लग रही थी थोड़ी बहुत भूख, तो मम्मा ने कल ही ये बोल दिया था कि मैं जो हूँ वो थोड़े से छोले और दही बड़े जो हूँ बना लूंगी, ताकि जो बीच का टाइम होता है उसके अंदर बंदा थोड़ा खावा भी ले, ताकि जो भूख होगी वो हमारी मिट जाए, क्योंकि रात में मातमदारी होगी, पर रात में हमें जो है चिकन की बिरयानी खाने को मिलेगी। ओह वाओ, अब मैं जो हूँ आप लोगों को जरा दिखा देती हूँ। अम्मा मर्जी देख देख कर फिर खैर, अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपने दही बड़े और छोले जो अभी रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर ये छोले हैं जो रेडी हो रहे हैं, यहाँ पर ये फुल्कियाँ हमारी वो हो गई हैं, क्या हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं और यहाँ पे ये उसके लिए दही बन रहा है ना। नहीं बोला, अब जब ये सब कुछ रेडी वगैरह सब बन जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। सो गाइस, यहाँ पर जो है वो हमारे टब भर कर दही बड़े रेडी हो चुके हैं, क्योंकि माशाल्लाह पूरा काफिला ही होता है यहाँ पर, सभी होते हैं, तो इस तरह से टब भर के जो है वो यहाँ पे हमारे दही बड़े रेडी हो गए। दही बड़ों में तो टाइम ही नहीं लगा। और यही अलीशा की बच्ची और यहाँ पर जो है वो दद्दा बना रही है छोले, काठिए वाले छोले। मुझे इतना ज्यादा मजे के लगता है, हमारे घर में बहुत ज्यादा अच्छे और स्पाइसी भी बनते हैं। काठिया वाड़ी, अम्मा वाड़ी होता है, वाड़ी होता है, वाड़ी। तो खैर, अब जब ये दोनों रेडी हो जाएंगे फिर जब हम दस्तरखान के ऊपर बैठेंगे खाने के लिए, जब मैं से मिलती। सो गाइस, अब सबको याद आ रहा है कि हम लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं थाल साफ ही नहीं किए हैं और अभी टाइम कुछ तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और अभी याद आया है कि यार थाल तो साफ ही नहीं किए और थाल इस कदर कोई मिट्टी में हो रहे हैं। ये इतने सारे भी मैंने साफ करने हैं, ये जो है वो कर चुकी है तुबैची, बस मैं भी आई थी कि तुबैची यार ये काम तो मैं भी कर लेती हूँ, तो बस अब फटाफट ये है कि मैंने ये थालों को साफ करने हैं क्योंकि टाइम हमारे पास निश्ता है, तो बस अब मैं काम करा लेती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस, अभी तक माध्यमिक संगत नहीं आई, जो टाइम दिया हुआ था उसने वो टाइम क्रॉस कर लिया है। मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग टाइम, हटो करीब नहीं आना, ये अच्छे से आप लोग जो है टाइम देख लें। और अभी तक जो है वो हमारी माध्यमिक संगत नहीं आई, देखें आ चुकी है, वहां पर वो रही देखें, ये आ गई है देखें। हेलो, हेलो,
और फिर ये पूरा का पूरा यहाँ पे फर्श बिछा हुआ है जहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए हैं हमारे। सो गाइज फाइनली ये लोग भी आ चुके हैं और अब मातमदारी स्टार्ट हो चुकी है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और अब ये लोग आए हैं। अब जाहिर है अभी स्टार्ट हुई है तो थोड़ा टाइम तो ये लोग लेंगे। उसके अलावा मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बिरयानी बस खानी है मैंने चिकन वाली, इतनी मज़े की टेस्टी लग रही थी वो शक्ल से जब उसके ऊपर नज़र दिली थी। खैर अब बस ये जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ मैं बिरयानी का, बहुत शदीद भूख लग रही। हो चुकी है और हमारे पास जो बिरयानी का थाल भी आ गया है, दो थाल आ गए। अब बस हम क्या खाएंगे, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।